होगी वो कैसे ठीक होगी। ये दो उंगलियां इसको बंद करना है और इस पर टिश्यू रखना, ठीक है, और बच्चों को यूँ कहना है कि यूँ करें। ये पहली चीज, पहली इससे बच्चों की लिखाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अगली चीज के हम देखें, उंगलियों को ये करें, ये खोलें बंद करें, ये खोलें बंद करें, ये तीसरी चीज बोतल का ढक्कन खोलें। बच्चे बोतल का ढक्कन ढक्कन खोलने में कितनी कौन सी उंगलियाँ इस्तेमाल होती है, ये थी ढक्कन खोलने, ठीक है, उनकी लिखाई ठीक हो जाएगी। सबसे बेहतरीन चीज अखबार लें अखबार, और बच्चे को कहें कि कैंची से तस्वीरें काटें, जो अखबार में तस्वीरें होती हैं उनको कहें वो सीट में क्या करें, वो काटे, इससे लिखाई ठीक होती है। रस्सी हो रस्सी धागा धागे को लपेटे, ठीक है, इससे सारी क्या चीजें होंगी उसकी लिखाई ठीक होगी। सिक्का सिक्का सिक्के को मेज पे रखें और बच्चे को कहें उसको उठाए बार बार। अब सिक्के को उठाने में कौन सी उंगलियां इस्तेमाल होती हैं, ये देखें, ये दो क्या ठीक होगी लिखाई, लिखाई हम बच्चे की लिखाई कैसे ठीक करते हैं, उसको लिखा 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 के सारा कुछ, ठीक है, ये चीज। अगली चीज आपको बताता हूँ, आप बच्चे देखें हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो उसकी सबसे बुनियादी वजह है हर पढ़ने का जो सीखने का अंदाज होता है उसका अपना होता है। कुछ लोग देख के चीजें सीखते हैं, कुछ लोग सुन के चीजें सीखते हैं, और कुछ लोग हाथ से वो चीज करके सीखते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चे का सीखने का अंदाज क्या है, आप उसकी सलाहियत को जाया करते हैं। कुछ बच्चे कैसे सीखते हैं, देख के सीखते हैं। अब जो बच्चे देख के सीखते हैं ना, ये पता कैसे चलता है, ये भी बताता हूँ आपको। आप बच्चे से खुद पूछे सवाल करें कि आपको चीज याद कैसे होती है, बच्चे खुद बता देगा। बच्चे अगर कोई ड्रामा देखें कार्टून देखें तो वो पूरी पूरी स्टोरी सुना लेते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बच्चा उसका सीखने का अंदाज क्या है। अगर सीखने का अंदाज देख कर सीखना है तो फिर उसको सिखाना कैसे है, फिर उसको कैसे सिखाना है, उसको चार्ट बनाना, हर चीज़ का तस्वीर का चार्ट बनाना है, रंगीन चीज़ें दिखानी है, पिक्चर दिखाना है। अगर कोई चीज़ आप समझा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप समझा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम समझा रहे हैं, निज़ाम हजम समझा रहे हैं, तो निज़ाम हजम के उसको वीडियो दिखाएंगे, उसको सारा लिखना भी आ जाएगा, उसके सारा दिमाग में कभी भूले नहीं। अभी ये एक स्टाइल है, स्टाइल को कहते हैं विजुअल लर्निंग स्टाइल कह रहे हैं। इसी तरह एक बच्चा है वो कैसे सीखता है, वो सुन के ज़्यादा सीखता है, ठीक है। अब उसकी जो याददाश्त है वो कानों के पास है, यानी उसका दिमाग जो है वो चीज़ों को एब्जॉर्ब जज्ब किस तरह करता है, सुन के जज्ब करता है। अब जो सुन के सीखने वाले होते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, उसके लिए ग्रुप डिस्कशन यानी ग्रुप में बात करना, उसके लिए सुनाई करना, ऊंचा ऊंचा सबक सुनाना और पढ़ना, ये उसका आखिरी जो स्टाइल है जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, जो जिसके ऊपर कोई जिसको पता ही नहीं, वो है टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल। टैक्टाइल कहते हैं हाथ से काम करके सिखाना, मिसाल के तौर पे, यानी ये ऐसा स्टाइल होता है इसमें जिसम इन्वॉल्व होता है, सरगर्मी करनी पड़ती है। इस स्टाइल में मिसाल के तौर पे मैं अभी बच्चे को सिखा रहा हूँ, ट्रैफिक लाइट जाएगी, ठीक है, सुर्ख लाइट जलेगी तो क्या रुकना है, येलो लाइट है चलना है, मतलब ये स्टाइल है उसका, यानी कि जो जिसमें एक्टिविटी करके दिखानी है। यानी अगर बच्चे को बीच का बता रहे हैं या खुले का बता रहे हैं तो आपने किस तरह बताना है, उसको एक्टिविटी करके बताना है। अगली बात बताता हूँ, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, मेरे पास बहुत सारे वालदैन आते हैं बच्चों को तरबियत के लिए, तो मैंने तकरीबन 22 साल मैंने ये सीखा है कि बच्चों को इतनी तरबियत की जरूरत नहीं होती है जितनी वालदैन को होती है। और आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उनके बारे में सारी बात है, उनकी तरबियत के हवाले से उनकी थोड़ी ज़बरदस्त बात बता दूँ। मेरे पास जो भी लोग आते हैं तरबियत के लिए बच्चों के बारे में, मेरे पास कैसे बच्चे आते हैं, दुनिया के मुश्किल तरीन बच्चे मेरे पास है बाहर, और मुश्किलों के फैज से वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो जो ठीक होने का गुर है वो आपको बताता हूँ, बच्चे को ठीक करने का, बच्चे को ठीक करने का गुर है जो मैंने जो मुझे जब मैंने आपको बताया ना कि मैं निस्बत लेके आप अंदर दाखिल होता हूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला, तो उनकी निस्बत से देखें चीज़ गुर क्या होता है। गुर ये है
कि देखिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद होते हैं, मस्जिद में शहीद होते हैं, सजदे में शहीद होते हैं, और वो दोबारा जब उठते हैं, घर जाते हैं, तो वो फरमाते हैं कि जिसने तलवार मारी है उसको मीठा शरबत पिला। इसमें बड़ी हिकमत की बात है। और इसके साथ हजरत अली रजी अल्लाह अक्सर फरमाते थे कि माफी नहायत बेहतरीन इंतकाम था। तरबियत का पहला असूल है कि अपने दिल से सबको माफ करें। ये पहली चीज है। अब मेरे पास जब जहनी मासूम बच्चे आते हैं, बहन आते हैं, तो मैं उनको पहली बात कहता हूँ कि भाई अगर तरबियत अच्छी कर ली है, अच्छी तरबियत क्या है, अपने दिल से सबको माफ करें। इसकी साइंस बताता हूँ, आप साइंस सुनेंगे मजा आ जाएगा। हजूर मैंने पिछली जो मस्जिद में ये जो दिमाग है, दिमाग ये पता क्या है, इस दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन सेल है, जिसके बारे में ये कहते हैं कि इसको अगर मिलाया हो, हर न्यूरॉन सेल का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है। मकनातीस देखा आपने, उस मकनातीस का क्या होता है, एक दायरा होता है, उस दायरे में जो भी चीज आती है वो उसको क्या करता है, खींचता है। इसी तरह ये जो दिमाग के न्यूरॉन्स हैं, सेल हैं, इसको अगर इस तरह फैलाया जाए तो ये पूरी कायनात में फैल जाते हैं। दिमाग में इतनी क्या है, दिमाग में इतनी वसत है। अब हम क्या करते हैं, हम उस दिमाग में क्या कर लेते हैं, दुनिया जान की फजूल तरीन बातें रख लेते हैं। फलाने ने इस तरह कहा था, फलाने ने इस तरह कहा था, फलाने ने इस तरह कहा था, करते ही करते करते। हमारे उस्ताद देखें कैसे हैं, उस्ताद देखना कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज है कि दूसरों को क्या करें, जब आप ऐसा नहीं करेंगे ना, अगर आपने दिमाग में अपनी बातें रख लिया, तो वो दिमाग जिसने कायनात की वस्तुओं को, जैसे हमारे मुर्शिद पाक कहते फरमाते थे कि वो दिमाग जिसने कायनात की वस्तुओं में जाना है, वो दिमाग कैसा हो जाता है। अब आप लोगों की कितनी दुश्मनियां हैं, कितनी कितने लोग आपसे आपने अपने दिल में रखे हुए हैं, बताएं कितने लोग रखे हुए हैं जिनसे आपकी खफगियां हैं। तो अगर आपने अपनी बच्चों की तरबियत कर ली है, तो क्या करें, सबको दिल से माफ करें। ये सबसे बड़ा विषय है। ये तरबियत यहां से शुरू होती है, ये तरबियत का पहला स्टेप है। अब होता क्या है, अब आपको बताऊं होता क्या है। मैं ज़हनी मासूम बच्चों को ऐसा क्यों कहता हूँ, मैंने ज़हनी मासूम बच्चों के साथ जो काम किया, सीखा क्या, ये जो ज़हनी मासूम बच्चे अल्लाह ने भेजे ऐसे नहीं भेजे, इनके पीछे मकसद है। अब जो ज़हनी मासूम बच्चे होते हैं ना, वो इस नेगेटिविटी को, ये जो मनफी सोच है, इसको अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, और वो जज़्ब करके फिर उनके रवैये में वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो हम अपने अल्फाज से, मेरे पास जो टीचर होते हैं उनको मैं एक चीज कहता होता हूँ कि भाई आप अल्फाज लिख के लगा दें। कौन से अल्फाज, मुस्बत अल्फाज, तुम बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेरी वेरी जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त। जब ऐसे अल्फाज हमारे बच्चे सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बूस्ट अप होते हैं, उनका काम करने का जज्बा ज्यादा होता है, हर चीज में बेहतरी होती है। तो इल्म जो होता है वो क्या देता है, अगर वो सुकून आपको ना दे तो ऐसे इल्म का कोई फायदा है। अगर जिधर आप बच्चों को भेजते हैं बच्चों में अदब नहीं है तो उसका कोई फायदा है, अगर उनको बात करनी नहीं आती उसका कोई फायदा है। तो हमने ये तरबियत इनिशिएट यहाँ पे जो शुरू की है अपने मुर्शिदों के सर के, इसमें आपको ये सारी चीजें देंगे, ये सारी चीजें आपके बच्चे का कोई मसला है उसको हल करके बताएगा। और आप याद रखें, जो भी हमसे जुड़ेगा उसके बच्चे को इंशाल्लाह कभी मार नहीं खाएगा। पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन हासिल की है उस्ताजा के मुकाबले में, तो ये सारी चीजें किस लिए, आपके लिए, आप अपने बच्चों को लाएं, इंशाल्लाह आपके बच्चों की ऐसी तरबियत होगी। अगर किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो सारे स्कूलों वाले जानने वाले, सारे स्कूलों वाले उन स्कूल वाले को कहेंगे कि भाई इस बच्चे का ख्याल रखना है, इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह।